दोस्तों, अक्टूबर महीने में मेथी की उन्नत खेती कैसे करें? क्या आप भी अक्टूबर महीने में मेथी की खेती करके नवंबर महीने में ही अच्छी खासी इनकम प्राप्त करना चाहते हैं? तो अभी यह बहुत ही अच्छा समय है और आप अभी इस समय मेथी की उन्नत खेती करेंगे तो आपके लिए आने वाले एक महीने बाद ही अच्छा खासा पैसा मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो मेथी की हार्वेस्टिंग है वह 35 से 40 दिन के अंदर ही हार्वेस्टिंग उसकी चालू हो जाती है, यदि आप इसकी अच्छी देखरेख करते हैं तो। हम यहां पर आपके लिए सब कुछ विस्तार से बताएंगे, कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मेथी की खेती करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और इस समय अभी सर्दी भी नहीं पड़ रही है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर नॉर्मल है और बादल भी अभी एकदम क्लियर साफ है। तो बादल क्लियर साफ होने की वजह से जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और उसमें किसी भी तरह का कोई वायरस नहीं आएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपके यहाँ का मौसम ठीक है तो आप अभी अक्टूबर महीने में मेथी की खेती को इस समय बुआई के लिए डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथी की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो मेथी की खेती करने के लिए ठंडी जलवायु सबसे बढ़िया मानी जाती है और इसमें ठंड यानी कि पाला सहन करने तथा अन्य फसलों के मुकाबले क्षमता इसमें अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र सही माने गए हैं। बात करें यदि हम उपयुक्त मिट्टी की, तो मेथी की खेती करने के लिए कार्बनिक पदार्थों से भरपूर दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी गई है। इसके अलावा कसूरी मेथी की खेती दोमट मटियार मिट्टी में की जा सकती है। यह अन्य फसलों के मुकाबले क्षारीयता को सहन कर सकती है, तो ये आप इस मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। मेथी की खेती के लिए कैसे करें खेत की तैयारी? तो मेथी की खेती के पलटने वाले हल से खेती की गहरी जुताई को खेत के कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि खेत में मौजूद जितने भी खरपतवार और कीट हैं वह नष्ट हो जाएं। इसके बाद 15 से 20 टन प्रति एकड़ एक हिसाब से गोबर की खाद डालकर खेत की जुताई कर पलेवा कर देना चाहिए। खेत की ऊपरी सतह सूख जाने के बाद फिर से 2 से 3 आड़ी तिरछी गहरी जुताई करें और आखिर में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को बिजाई के लिए समतल बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार आपके लिए खेत की तैयारी करनी है। अब बात करें मेथी की खेती करेंगे आप तो बीज की मात्रा क्या होना चाहिए और कैसे बुआई करेंगे। तो एक एकड़ खेत के लिए बिजाई के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ से बीजों की आवश्यकता होती है। और बात करें इसके बुआई की, तो सामान्य तौर पर मेथी की बुआई छिड़कवा विधि से की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी खेती बेड पर की जाने लगी है। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और बेड पर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहरी पर बीज बुआई करना चाहिए। बिजाई से पहले बीज को 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, ताकि मेथी के दाने जल्दी अंकुरित हो सके। अब बात करें बीज उपचार की, तो बीजों को मिट्टी में पैदा होने वाले कीट और बीमारियों से बचाने के लिए थीरम 4 ग्राम और कार्बन डाइजीन 50% WP 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए और रासायनिक उपचार के बाद एजोस्पिरिलियम 600 ग्राम प्लस ट्राइकोडर्मा बिराइड 20 ग्राम प्रति एकड़ से प्रति 12 किलो बीज का उपचार करना चाहिए। और बीज को उपचारित करने के लिए हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपकी मेथी की फसल में किसी भी तरह का रोग वायरस ना आए। अभी अक्सर क्या होता है कि जैसे ही हम मेथी की बुआई कर देते हैं, जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, जैसे ही 2 इंच से ऊपर की मेथी होती है हमारी, ये भाजी जब बनती है तो थोड़ा बहुत भी मौसम खराब हुआ तो इसमें अचानक फंगस लग जाती है, वायरस आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मरना चालू हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने मेथी की खेती की है उनके लिए ये समस्या देखने को अवश्य मिली होगी और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप बीज को उपचारित करके बोइए पहले से ही, ताकि आने वाले समय में आपके लिए नुकसान ना हो और फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। अब बात करें उन्नतशील किस्में और उनकी विशेषताएँ क्या हैं। तो देखिए, मेथी की कई सारी किस्में मार्केट में उपलब्ध है, डिपेंड करेगा आप कौन सी किस्में लगाना चाहते हैं। हम सभी की विशेषताएं बता देते हैं जो कि कुछ किस्में खास है, जैसे पूसा कसूरी मेथी,
यह वैरायटी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली ने विकसित की है। इसकी खेती हरी साग के लिए की जाती है। इसकी कटाई 2 से 3 बार की जा सकती है और इसकी औसत पैदावार 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। बात करें अगली किस्म पूसा अर्ली बंचिंग की, तो इस किस्म को ICAR ने विकसित किया है। यह जल्द पकने वाली वैरायटी है और इसकी साग के लिए 2 से 3 बार कटाई की जाती है और इस वैरायटी की फलियां 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस वैरायटी को तैयार होने में 4 महीने तक लग जाते हैं। अगली वैरायटी है हिसार सोनाली। इस वैरायटी की खेती राजस्थान, हरियाणा तथा आसपास में खेती की जाती है। यह वैरायटी जड़ गलन रोग एवं धब्बा रोग के प्रति मध्यम सहनशील है। इस किस्म को तैयार होने में 140 से 150 दिन तक लग जाते हैं। इस वैरायटी में प्रति हेक्टेयर भूमि से 30 से 40 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। अगली किस्म आती है RMT 305। यह बोनी वैरायटी है और इस वैरायटी की फलियां जल्दी पक जाती है। इस वैरायटी से प्रति हेक्टेयर खेत में 20 से 30 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। जब यह बोनी पैदावार है तो इसमें उपज भी कम निकलेगी, इस बात का विशेष थोड़ा ध्यान देना। अगली किस्म है कश्मीरी मेथी। इस वैरायटी की विशेषताएं पूसा अर्ली वंचिंग से मेल खाती है। यह वैरायटी ठंड ज्यादा सहन कर लेती है। अगली किस्म है हिसार सुवर्णा। इस वैरायटी में आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने इस वैरायटी को विकसित किया है और इसकी औसतन पैदावार 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। इन किस्मों के अलावा मेथी की अन्य उन्नतशील किस्में भी है, जैसे कि RMT 1, RMT 143, 365, हिसार माधवी, हिसार सोनाली और प्रभा आदि अच्छी उपज देने वाली किस्में हैं। इनमें से जो किस्म आपके लिए मिल जाए आप उसको लाइए, आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की, तो खाद उर्वरक कितना देना चाहिए। तो मेथी की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम पोटेशियम और 50 किलो सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद अच्छी वृद्धि के लिए ट्राइकोटानोल हार्मोन 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और बिजाई के 20 से 25 दिन बाद फसल की अच्छी वृद्धि के लिए NPK 19-19-19 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की स्प्रे करें और बिजाई के 40 से 45 दिन बाद अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए ब्रासिनोलाइड 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। तो बिजाई के फिर 45 से 65 दिन के बाद आपके लिए दूसरी स्प्रे 10 दिनों के बाद करनी है, जो कि कोहरे से होने वाले हमले से बचाने के लिए थाई यूरिया 150 ग्राम प्रति एकड़ की दर 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। तो ये जो जितने भी स्प्रे बताए हैं, यदि आप इनका स्प्रे करेंगे तो फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रहेगी, उसमें रोग वायरस नहीं आएगा, फंगस नहीं आएगी, फसल गलन नहीं होगा, सड़न नहीं होगा और आपके लिए उपज अच्छी मिल जाएगी। लेकिन ये स्प्रे करना है आपके लिए समय समय पर, जो कि आपके लिए वीडियो में टाइमिंग बता दी गई है। फिर बात करें मेथी की फसल में सिंचाई की, तो मेथी की बुआई के समय खेत में नमी होनी चाहिए, जिससे अंकुरण में आसानी होगी। मेथी की फसल से उचित पैदावार लेने के लिए 3-4 सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए और मेथी की फली बनने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे पैदावार पर असर पड़ेगा और आपका जो बीज है वह छोटा हो जाएगा, उसकी साइज नहीं बढ़ पाएगी। इसके बाद बात करें कि मेथी की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करेंगे आप। तो मेथी की फसल में खरपतवार की रोकथाम बहुत जरूरी होती है। इसके लिए बिजाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए तथा दूसरी 35 से 40 दिनों के बाद करनी चाहिए। रासायनिक तरीकों से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए फ्लुक्लोरालीन 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंडीमेथिलीन 1.3 लीटर प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 102 दिन बाद मिट्टी में नमी बनी रहने पर छिड़काव करें, अर्थात बिजाई के पहले ही आपके लिए कर देना है। और अधिक जानकारी के लिए आपके लिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह भी ले लेनी है और उनका नंबर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है हमने।
इसके अलावा किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिया है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, किसानों के साथ वार्तालाप में सम्मिलित हो सकते हैं। बात करें मेथी की कटाई कब करनी है आपके लिए, तो मेथी को साग के लिए उगने वाले किसान 30 से 35 दिन बाद कटाई कर सकते हैं और मेथी की फसल 140 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। मेथी एक दानों के लिए उगाई गई फसल की कटाई तब करें जब मेथी के निचले पत्तों का रंग पीला पड़कर झड़ने लगे और दराती से आपके लिए इसकी कटाई करनी चाहिए और कटाई करने के बाद फसल की गठरी बनाकर 7 से 8 दिन बाद धूप में सुखाएं, सूखने पर इसके दानों को निकाल लें। अब बात करें इसमें खेती में आने वाली लागत की और कमाई की, तो यदि मेथी की बुआई बीज के लिए की गई है तो एक बार कटाई के बाद औसतन पैदावार 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। यदि मेथी की फसल की 4 से 5 कटाई की जाए तो यही पैदावार घटकर लगभग 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक रह जाती है। यदि मेथी की बुआई यदि साग या हरी पत्तियों के लिए की गई है तो 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल सकती है। मेथी की पत्तियों को सुखाकर भी बेचा जाता है। यदि मेथी की खेती वैज्ञानिक तरीकों से की जाए तो 2 से 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कमाया जा सकता है। अगर आपके लिए फेंगरिक फार्मिंग अर्थात मेथी की खेती कैसे करें इससे संबंधित जानकारी पसंद आ गई है और अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि वह भी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से स्मार्ट बिजनेस प्लस के फ्री में खेती किसानी की जानकारी प्राप्त कर सके। और आप कौन सी खेती करना चाहते हैं, किस तरह की दिक्कत आ रही है, ये भी कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उसके सॉल्यूशन समाधान अगली वीडियो में बताएंगे। पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हैं हमारी तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको ऐसी खेती किसानी की जानकारी समय समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।